तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे, आपका दोबारा स्वागत है। और आज हम करके आ गए हैं मार्केट, शुरुआत कर दी हमने। मतलब सुबह से मैं मार्केट गया था, सामान वामान लेके आ गया हूँ, बापू को दिखाना था, तो खैर डॉक्टर लेट हो गए, डॉक्टर के चक्कर के आ नहीं जा पाए। तो अभी जो सामान लेके आया हूँ वो थोड़ा दिखा देता हूँ, क्या क्या सामान लेके आया हूँ। और अभी थोड़ी देर में आता हूँ खाने नहीं, अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ सामान लगा के आ रहा हूँ। ये देखो आ गई चंद्री प्रतिक्रिया, तो इसकी नसें इसमें नहीं सूजी हुई, इसकी नसें यही सूजी हुई है इस टाइम भी, जहाँ पर कैनला लगा हुआ था शुरू से, इसमें भी लगा था, दोनों लगा था, लेकिन शायद इसमें पहले से लगा था ना। हाँ। इसमें पहले लगा था, फिर बाद में इसमें लगा था। हाँ, पहले इसी में लगा था ज़्यादा देर तक। चलो देखो ना सारी। हाँ, मोटी दिख रही हो, सामने दिख रही है, अलग से दिख रही हो। तो आज लाए हैं शॉर्ट वाली जुराबे, ये वाली लेडीज़ की जुराबे आई हैं अलग से, ये सेम जुराबे लाया हूँ। और एक जुराब ये लाया हूँ, थोड़ी सी सर्दी वाली जुराबे लेके आया हूँ, ठीक है क्वालिटी में, सर्दी की जुराबे हैं। बाकी अपनी NYX टॉवल में भी है, और NYX पतली वाली भी लेके आया हूँ, ये वाली कॉटन वाली, क्योंकि ये कम बिक रही है, ये ज़्यादा बिकेंगी इस टाइम पर, ये ज़्यादा लेके आया हूँ। और एक लाया हूँ ये, इसे क्या बोल सकते हैं, इसे मास्क और हेड पे लगाते हैं ये, अगर आप देख पाओ ना तो ऐसे ही लगाते हैं इसको, ये बहुत सारे काम आता है। एक ये लेके आया हूँ, उसके बाद लॉन्ग में जुराबे हैं, मेंस की लॉन्ग है, नहीं सॉरी वुमेंस की लॉन्ग है, मेंस की लॉन्ग है, और बच्चों की जोड़ी हैं 0 से 1 साल और 7 से 13 साल। ये सब आइटम मैं लेके आया हूँ 2000 रुपये का। अब इसे लगाते हैं और चलते हैं थोड़ी देर में मार्केट। तो भैया आ गया मार्केट में वीर बाज़ार की, और दुकान लगा दी है, सेटअप पूरा कर दिया है, बोनी भी हो गई 90 रुपये से, बढ़िया जुराब बेच दिया। और अब देखते हैं और कितनी मार्केट आ गई है, भीड़ बहुत होगी यहाँ पर, जैसे लग रहा है हालत यहाँ से लेके, देखो जाम लगना शुरू हो चुका है, और यहाँ तो जाम है ही है, और यहाँ भी पूरी दुकानें अंदर तक समेटे हुए हैं और पूरा सजाया हुआ है भाई, पूरा दिवाली वाला माहौल कर दिया यहाँ पर। तो चलो करते हैं बोनी, बोनी तो हो चुकी है, बिक्री करते हैं, अब नया सामान भी लगा दिया सारा। अच्छा, दो या तीन बजे शायद नहीं आया मैं, हाँ यार काम पड़ गया था घर पे, उस चक्कर में नहीं आ पा रहा था। तो भैया बज गया 7, लेकिन दुकानदारी बिल्कुल ही फ्लॉप चल रही है इस टाइम पे, 130 रुपये की दुकानदारी हुई है टोटल अभी तक, 2 घंटे के आसपास हो गया, बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा है। और जो कस्टमर आ रहे हैं वो ऐसे रेट बोल रहे हैं कि भाई देने का मन ही नहीं कर रहा, कुछ होकर लेने का मन नहीं, क्योंकि दिवाली का सामान बहुत बिक रहा है इस टाइम की। तो दिवाली का सामान है, एक नंबर बिक रहा भाई, एक नंबर। तो भैया 8 बजे करीब हो गई, दुकानदारी थोड़ी बहुत सही, 300 का माल बिका एकदम सही। और एक कस्टमर आगे बता रहे हैं कि आपका ये माल बहुत अच्छा निकला है, एक्चुअली में कॉटन वाला ये ले गए थे, पत्ता वाला अच्छा निकला है, तो ये लेके जा रहे हैं आप। तो उनका कहना यही था कि भाई अच्छा सामान बेचोगे तो दोबारा जरूर आएंगे, तो मैंने कहा अच्छा ही बेचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि हम बार बार आऊँ। तो भैया उस समय हो गए 9:15 का, और दुकानदारी ठीक ठाक हुई है, लेकिन जितने बीच में होड़ थी ना उतनी नहीं हुई यार, बाकी तो आज मामला 700-800 पहुँच जाओगे मुश्किल से, 1000 तो मुझे नहीं लग रहा, आगे घर चलेंगे देखेंगे, 1.5 घंटे की बात और है, करते दुकानदारी फिर चलते हैं घर। तो बच गया भैया 10, कमसम जितनी दुकानदारी होनी थी हो चुकी, अब इसके आगे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, 10 मिनट और रुकूँगा, इसके बाद सामान पैक करते हैं और हैप्पी दिवाली करते हैं, मतलब आज दिवाली नहीं है लेकिन जो सेल हो रही है ना अड़ोसी पड़ोसी की, दिवाली से कम भी नहीं है। तो चलो मिलते हैं देर में, आज तो इन भैया की दिवाली है भाई, इनका माल लगातार बिक रहा है, लगातार मतलब नहीं तो 10,000 की सेल कहीं नहीं गई होगी, 10,000 से ऊपर की सेल हुई आज इनकी। तो अपन आगे घर पे और बहुत अच्छी आ रही है, कह रही जब से मैं गया हूँ तब से इसका दूध पिए जा रहा है और अभी ये सो गया, तब ये दोबारा चेक किया, और इसको इसको हिलते हुए देख के ना इसकी हालत ख़राब हो गई। ये देखो जनाब फिर से, ओ तेरे शेर मुंह फाड़ रहा, तू तो कहते शेर का बच्चा है, देख शेर मुंह फाड़ रहा, देख ये अब ये कहेगा लाओ मेरा भोजन लाओ, तो चलते हैं भाई, भाई भूल गया, ये भूला है ये गजनी
गजनी तुम भूल जाते हो 15 मिनट पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ये भूला हुआ है कह रहा मेरे को याद नहीं, अब दूध पिलाओ मेरे को। पोटी जाना हराम कर दिया है, पोटी नहीं। देख देख देख, ये सुला गई थी। अरे छवाच, ये देखो लाते यहाँ चल रही है। हाँ ये कह रहा अब याद आएगा, इसे याद करेगा। क्या मैंने दूध पिया, क्या मैंने दूध पिया, नहीं पिया। कहाँ है रुमाल, कहाँ रखी है ये, पानी डाल के दूँ। तो हमारी पुतुन्नी जो है ना आज पहली बार खुद से निप्पल से दूध पी रही है, देखो। और इसको भाई कितना भी दूध दे दो ये कम पड़ रहा है इस टाइम। जब तक मैंने वीडियो चालू करी है ना तब तक ये भाई पी गए इसको दूध को सारा। बाबू तुम कितने भूते हो यार, हैं कितने भूते हो। मेरा बच्चा चलो लगा पड़ा तब से खाने में, ये पिचका दी उसको भी, सबकी हालत खराब कर दिया है। निप्पल की हालत देख के आप समझ सकते हो कि कैसे हेल्प करता होगा मम्मी भी। इसके दांत में ना लग जाए, वही ध्यान रखना। इसके दांत में बड़ा लगे, दांतों से फाड़ दे रहा सब चीज़ है। अभी दांत नहीं है सोचो इसके। तो आ जाइए, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14.5 तो 1450 की सेल हुई आज। और मतलब मेरी उम्मीद से 400-450 ज़्यादा की सेल हो गई। और उसमें भी अच्छी बात यह कि इसमें से ज़्यादातर रुपए ऑनलाइन आए हैं, मतलब करीब करीब 600-650 रुपये आज ऑनलाइन आए हैं। और कितनी सेल होती है, और कल डॉक्टर को दिखाना भी है बाबू को, क्योंकि आज हम दिखा नहीं पाए, ठीक है, लेट हो गए इस चक्कर में। तो कल उसकी बेचारे की आँखों में स्वेलिंग आ रही है यहाँ पर, तो वो भी दिखानी है। और एक पानी और एक दूध की बोतल भी लेके आए हैं उसके लिए, कि ताकि रश्मि जो परेशान रहती है दूध पिला पिलाती, या फिर वो ना भी रहे अवेलेबल तो उसे दूध पिला सके, ठीक है। तो चलो ये सब चला लाइफ में, अभी जो है सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो चलो मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में, एक नए दिन के नए ब्लॉग में, ठीक है। तब तक के बाय, शबा ख्याल।